Good morning, students. So today we are going to start from page number 292. The leaders and the followers. Already I had said that they are not having any political leader. So they went to Delhi to find out Bahadur Shah Zafar, where he had given his blessings to them. But whether it is like that only or something else happened in those times, so we are going to see this. Leaders and the followers. Okay. To fight the British, leadership and organizations were required. For these, the rebels sometime turned to those who had been leads before the British cons. अगर हम देखें तो ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उनको कोई एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए था, एक ऐसा लीडरशिप चाहिए था जो कि अंग्रेजों के काल से पहले से उनकी लीडिंग करता रहा। अल्टीमेटली यही कारण था कि उनका ये एक्ट जो था, मेरठ में जो विद्रोह किए हुए सिपाही थे वो सीधे कहाँ की ओर पहुंच गए, दिल्ली की ओर, क्योंकि उससे पहले दिल्ली का ही सल्तनत चलती थी। तो मुगल एम्परर के पास पहुंचे और उनसे उन्होंने क्या बोला, आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इनका विद्रोह मतलब सफलता पाए और हम इन्हें हटा दें। सही में बहादुर शाह जफर का जो पहला रिएक्शन था वो हॉरर था, रिजेक्शन था, ठीक है। बट वही वाली बात है, वो थोड़े घबराए और समझ नहीं पाए कि अचानक क्या हुआ। It was only when the Sepoys had moved into the Mughal court within the Red Fort in defense of normal court equities and the old emperor raisingly he had very few opinions agreed to the non-lady of the rebellion. उनके पास तो जब वो सिपाही लोग हर मतलब जो अदब और हर चीजों को लोग ताक पे रखकर उनके जो महल के अंदर और उनके जो क्या कह सकते हैं कोर्ट के अंदर प्रवेश कर गए और वहां पर उन्होंने अपनी बात रख ली, तो एम्परर के पास में अब कोई बात नहीं थी, यानी कि जफर साहब के पास में कोई बात नहीं बची कि वो सब उनको ना बोल पाते। इस यही कारण था कि उन्हें उनके साथ मिलना ही पड़ा, और क्योंकि उनके अपने लोग थे, उनकी प्रजा थी, तो उन्हें साथ देना ही पड़ा। ऐसा ही अगर हम देखें तो कई और जगह भी हुआ, ऐसा हम देखें तो कानपुर में हुआ। कानपुर में नाना साहेब जो कि पेशावर बाजीराव द्वितीय के सक्सेसर थे, तो उनके पास भी कोई चॉइस नहीं था। जब लीडर्स ने जो विद्रोही थे उनके लीडर्स जाके बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, आप हमारे साथ जो है आइडियल रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो भी उनके साथ जुड़े। इसी प्रकार झांसी की रानी जिनके साथ दुर्व्यवहार किया हुआ था अंग्रेजों ने और उनको उनके अधिकार से वंचित कर रखा, तो वो भी इनके साथ जुड़ी। कन्वर सिंह जो है वो भी जो है इस प्रकार से जुड़ते चले गए। देन अवध में अगर हम देखें तो अवध का घाव उस समय नया नया था, क्योंकि उनके सबसे फेमस उनके सबसे प्रिय जो नवाब थे बहादुर अली शाह उनको निकाला गया था, जिसके दुख में उन्होंने गीत भी गाए थे, आपको मैंने पढ़ाया। तो वो जो है उनको उनके पास भी लोग पहुंचे कि आप हमारे साथ जुड़िए। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो नवाब के जो हम देख सकते हैं कि बेटे थे वो जुड़े। इस तरीके से अगर हम देखें तो धीमे धीमे कई सारे लोग जुड़ते चले गए। अगर आप देखेंगे पेज नंबर 93 में तो शाम एक किसान था, उसने कई लोगों को तैयार किया युद्ध के लिए और साथ में वो क्या करने लगा, फिरंगी राज को हटाने का के लिए काम करने लगा। और अगर हम देखें तो जो क्या कहते हैं शामल को वीरगति प्राप्त हुई जुलाई के अंदर। देन इसी प्रकार से मौलवी अहमदुल शाह जो थे उन्होंने भी तो पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई करने के बाद जब वो क्या कहते हैं मौलवी बने तो वो गांव गांव जाके जिहाद का प्रचार कर रहे थे कि रिलीजियस वॉर करो, अपने आप को स्वतंत्र करो। डंके की चोट में क्या करें, अंग्रेजों का विद्रोह करें और अपने देश को अपने लोगों को स्वतंत्र करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई मतलब राजघराने का विद्रोह नहीं था, ये कोई सिपाहियों का ही विद्रोह नहीं था, इसमें हर व्यक्ति जुड़ता चला गया। नाउ एवरीवेयर द लीडर्स पीपल ऑफ द कोर्ट द
that Rajas, Ranis, Nawabs, Talukdars often the message of rebel was carried by ordinary people, women in the place by the religious men too. From the mirror they were reported that the fakirs have appeared riding on an elephant, and that the sepoys were visiting him frequently in Lucknow. After the exhalations of the Awadh, there were many religious leaders and self-styled prophets who preached the destruction of British rule. Firangi Raj ka ant. अगर हम देखें तो यहाँ पर कई सारे लोग जो है एक साथ इसके अंदर जुड़ गए. फकीर हाथियों पर बैठ के आते थे और सिपाहियों से बात करते थे. मे बी वी आर द स्पाई फॉर देम. सो इसी प्रकार से कुछ ऐसे प्रॉफिट भविष्यवाणी करने वाले आ गए जिन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का जो है पतन खत्म, मतलब पतन होने वाला है और अंग्रेज खत्म होने वाले हैं. मतलब इससे कहते कि उकसाना और जज्बा जो उनके अंदर था उसको बंद नहीं होने देना, उसको आगे बढ़ाते जाना. अगर हम यहाँ देखें जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग ट्राइबल लोग जुड़ गए. ट्राइबल जो है अगर हम देखें तो अलग अलग परगना से उत्तर प्रदेश में गुनू जो ट्राइब के लोग थे, सिंगमपुर के छोटे नामपुर के इलाके में कोल जो जाति है, ट्राइबल जाति, वो भी इसके अंदर सम्मिलित होने लगी. दे ऑल स्टार्ट टू वर्क as a team, we can say all together, so that the Firangis how to go or the Britishers how to go. Okay, अब हम जा रहे rumors and prophecies के बारे में. अब कहानी का दूसरा टर्न और दूसरा सिस्टम देखने जा रहे. रूमर्स मतलब क्या होता है आप सब जानते कि जो मतलब बकवास वाली बात है, ठीक है. और प्रोफेसिस मतलब जो भविष्यवाणियां कही जा रही है ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, अब ये होने वाला है. सो हमारा कोरोना आया, कोविड-19 जो हम देखें तो वो कोरोना आया तब भी यही हंगामा था कि ऐसा है वैसा है, ये होने वाला है. एक साल हो चुका है, अभी भी हम स्टिल अफ्रेड ऑफ दैट एंड स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द वैक्सीनेशन, इजंट इट. सो हम नहीं जानते कि आगे क्या है. तो उसमें कई रूमर्स भी हैं और कई लोगों ने अलग अलग प्रोफेसेस भी की. ना उसी प्रकार से उस जमाने में वही ट्रॉमा और वही फीलिंग्स जो आप समझ सकते हैं. सो द रूमर्स एंड प्रोफेसेस प्ले अ पार्ट इन मूविंग द पीपल टू एक्शन. एज वी से द सिक्योर्स हू हैड अराइव्ड इन दिल्ली एंड फ्रॉम मेरठ हैड होल्ड द बहादुर शाह about the bullets coated with the fat of cow and pig, and biting those bullets would be corrupt their caste and the religion they were, referring to the cartridge of the Enfield rifle which had just been given to them. Then the Britishers tried to explain to the sepoys that this was not the case, but the rumors that the new cartridge was greased with the fat of the cow and pig spread like wildfire then across the sepoys' line in the North India. अगर हम देखें तो जैसे बहादुर शाह जफर को बताया गया था कि उन्हें बुलेट को चबा कर क्या करना पड़ता है, उसका बारूद और उसका जो चीज है उसको किस्मत डालना पड़ता है बंदूक के अंदर, और ये बंदूक का नाम था इनफील्ड राइफल्स यानी कि इनफील्ड बुलेट. ओके, आज सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी जो लड़कों को बड़ी पसंद है इसी नाम से रखी गई है. तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो उस जमाने में ये बंदूक ही नहीं आई थी, इनफील्ड राइफल, और उसके अंदर का ये बुलेट था, उसके अंदर डालने वाला ये गोली था जिसके अंदर ये प्रॉब्लम निकल गया है. कई जो इन्होंने बोला कि इस तरह की बुलेट से, परंतु अंग्रेज सरकार चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी कि ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं है. परंतु अंग्रेज बोले उससे पहले तो यह आपकी तरह पूरी जो हम कह सकते हैं भारतीय सिपाहियों के बीच में फैल गई, और भारतीय सिपाहियों ने जिसको एक्सेप्ट किया कि हाँ अंग्रेजों ने ऐसा ही कुछ बनाया है ताकि हमारी जात और हमारी समाज को क्या कर दे, बिगाड़ दे. दिस इज वन रूमर्स हूज ओरिजिन कैन बी ट्रैक्ड द कैप्टन मुरारी कमांड ऑफ द राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो रिपोर्टेड दैट इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई इन 1857 द लोकस खलासी
who worked in the magazine in Dum Dum, had asked a Brahmin Scipion for a drink of water from his lota. The Scipion had refused, said that the lower caste touch would defy the lota. The Khalasi had reportedly retold, "You will soon lose your caste. As heard, long you will be have to bite cartilage covered with the fat of the cow and the pig." We do not know the veracities of the report, but once the rumor started on amount of the evidence of the British officers could stop it circulating circulation and fear it spread among the Scipions. अगर हम देखें तो ये ऐसा कहा जाता है, कैप्टन राइट ये बोलते हैं कि ये कहानी इस तरह से शुरू हुई कि कमांडर राइफल कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट जो जगह थी वहां पर जो है एक नीची जात के खलासी थी, उन्होंने जो कह सकते हैं कि जो ये मैगजीन्स मतलब ये जो गोलियां और ये जो लेके आते थे गाड़ी में, उन्होंने एक ब्राह्मण जो सिपाही था उनसे कह दिया कि अपने लोटे में से मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लग रही। तो उसने झल्ला के ये कह दिया कि मेरा लोटा अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि तो नीचे जाता है, मैं तो जब अपने लोटे से पानी नहीं पिलाने वाला। खलासी भी चिड़कर बोल गया कि अच्छा बहुत ज्यादा घमंड है, थोड़ी देर में तुम अपनी जात बिरादरी सब छूटने वाली है। कारण ये है कि तुम जिस कार्टेज को चबाओगे उसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी चढ़ लगी हुई है और जिससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बस ये बात पकड़ी और वो लेकर आपकी तरह जो हम कह सकते हैं भारतीय सिपाहियों के बीच में फैलती चल गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत कोशिश की इस बात को रोकने की और बताने की कि सच क्या है, परंतु वो आग की तरह चलती चली गई। दिस वॉज नॉट द ओनली रूमर दैट वॉज सर्कुलेटिंग इन द नॉर्थ इंडिया। The only rumor that was circulating in the North India at the beginning of 1857 there was a rumor that the British government had hatched the Gangadi conspiracy to destroy the caste and religion of the Hindus and Muslims. To this end, the rumor said the British had mixed the bone dust of the cow and the pig into the flour that was sold in the market. ना सिर्फ ये सिर्फ एक रूमर नहीं था, एक कहानी नहीं थी। अगर हम देखें तो उत्तर भारत में 1857 के शुरुआत के दौरान में ब्रिटिश गवर्नमेंट को के अंदर मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के तत्वाधान में गंगा के इलाकों में एक और कहानी बहुत तेजी से फैल रही थी। उसमें ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, आटे के अंदर जो गाय के और सुअर की जो हड्डियां हैं उसका पाउडर करके डाल दिया। अब ये जो भी खाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और धर्म भ्रष्ट करने के लिए ऐसा किया गया। देन अगर हम देखें इन द टाउन एंड कंटाउन में द सीपियंस एंड द कॉमन पीपल रिफ्यूज टू टच द आटा। दे वर फियर एंड सस्पिशन ऑफ द ब्रिटिश वांट टू कन्वर्ट इंडियंस इनटू क्रिश्चियनिटी। पैनिक स्प्रेड फास्ट। ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्राइड टू fears, but in vain. These fears steered the man to action. The response of the call for the action was reinforced, but the prophecy that British rule would come to an end on the centuries of the Battle of Plassey on 23rd June 1857. अगर हम देखें तो उसका मुख्य मुद्दा ये था कि लोगों ने आटे को हाथ लगाना बंद कर दिया था, डर गए थे वो लोग कि जितना भी आटा जो है सिपाहियों के लिए लाया जाता था वो डरते थे कि इस आटे में हड्डियों का चूरा मिला दिया है और हमारी धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसके पीछे एक और कारण थी, वो ये सोचते थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट करना हो जाएगा तो ये हमें ईसाई बना लेंगे और हमें ईसाई बनना पड़ेगा। इस तरह के डर का जो मुख्य कारण था वो ये था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनके डर को दूर करने के लिए कई बातें बोली, कई बात समझाई, परंतु उनको ये सब चीजें जो सिपाही थे उनको नहीं आई। ये चीज उनके मन के अंदर बहुत गहराई में जाके गड़ गई थी। अगर हम देखें
तो इसी के साथ एक और भविष्यवाणी हुई और वो भविष्यवाणी जो है लोगों ने इस तरह से की कि पलासी के युद्ध में अंग्रेजों का क्या बन जाएगा, कब्र बनेगा। और वो जो है हम देख सकते 1857 में जून 23 को होने का है। Then rumors were not only the things circulating at that time. Reports came from various part of the north India that chapatis were being distributed from the village to village. The persons would come at night and give the chapati to the watchman of the village and ask him to make 5 more and distribute to the next village. अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और चीज देखने में आई थी, जो अंग्रेजों ने इन चीजों को बाद में पता लगाया था कि आखिर हुआ क्या था जो मिलिट्री के पहले, तो उनमें से एक और चीज ये है कि ये पता लगा कि कोई व्यक्ति है जो रात को क्या करता है उत्तरी भारतीय इलाकों में चपातियां लेके आता है, रात को वो चपाती लेके आता है और अंधेरे में वो क्या करता है वॉचमैन को देता है, वॉचमैन से कहता है कि 5 और बनाना और आगे 5 और भेजना। समझ में आया, यानी कि कोई कॉपी कोई स्लिप है कोई नोटिस है रोडियो के अंदर जिसकी 5 कॉपीज वापस मैनुस्क्रिप्ट तैयार करके उसको जो चपाती बनाकर कर क्या करनी सप्लाई करनी, इस तरह से कोई होगा कोई चीज। अल्टीमेटली ये चीज जो है देखने में आई कि किस प्रकार से वो लोग इसको प्रॉपरली कंडक्ट कर रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपाती वॉज नॉट क्लियर एंड इज नॉट क्लियर इवन टू डे, परंतु ये चपाती बनाना और चपाती को बांटना आज तक भी नहीं समझ में आता। समझ में आने में क्या प्रॉब्लम है, सीधी सी बात है, अगर हम चपाती के अंदर कोई स्लिप डाल देते हैं तो वो क्या रहेगा सेफली पहुंचेगा। देन बट देयर इज नो डाउट द पीपल रीड इट एज एन ओमन फॉर द अपहेविंग। अगर हम देखें तो इसको ये बात तो स्पष्ट है कि इस चीज को ऐसे लिया जाता था जैसे कोई हम कहते हैं ना ओमन है, और जैसे कोई कोई एक कहा मतलब धार्मिक कोई एक कथन है या एक टाइम पीरियड है उसके बारे में लोगों को दिशा निर्देश दी जा रही थी, मुहूर्त कह सकते हैं मुहूर्त, या फिर कोई ऐसे कहावा टाइम पीरियड जिसको प्रोसीड करना कि इस टाइम के लिए ये करना इस टाइम के लिए ये करना ऐसा कुछ होगा। तो वॉट एवर जो भी उस समय था अगर हम देखें तो ये जो चीजें हैं ये क्या है स्प्रेड होती जा रही थी और लोग इसके अंदर जो है अपने आप में बढ़ते ही जा रहे थे। सो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाई डिड पीपल बिलीव इन द रूमर्स, लोगों ने आखिर इन रूमर्स में यानी बकवासों में या फिर हम कह सकते हैं गॉसिपिंग में क्यों विश्वास किया। वी कैनॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रूमर्स एंड द प्रोफेसी इन द हिस्ट्री, बट चेकिंग वेदर दे आर फैक्चुअली करेक्ट और नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि उस जमाने में रूमर्स का कितना जोर था या कितना माना नहीं माना जाता था, परंतु ये पता चलना जरूरी था इतिहास में कि उसका क्या असर रहा। वी नीड टू सी वॉट दे रिफ्लेक्ट अबाउट द माइंड ऑफ द पीपल हू बिलीव देम, देयर फियर एंड देयर एक्सप्रेशंस एंड देयर फेथ एंड कन्विक्शंस, परंतु जिन्होंने रूमर्स सुना जिन्होंने इस क्या कह सकते हैं बातों को मन में लिया उनका विश्वास उसके प्रति उनकी आस्था उनके प्रति उनका कन्विक्शन उसके प्रति जो है वो देखने में आते, वो बहुत ही शंकाग्रसित हो गए थे, वो डर गए थे और सबसे ज्यादा उन्हें अपने धर्म और अपनी जाति को सिक्योर करने की जो एक उनके अंदर मतलब घबराहट थी वो इस पूरे रूप में दिखाई दी। द रूमर ऑफ 1857 बिगन टू मेक सेंस व्हेन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉलिसीज द ब्रिटिश रेस्क्यूड फ्रॉम द लेट 1820s। एज यू नो फ्रॉम द टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द ब्रिटिशर्स अडॉप्ट द पॉलिसी एम्ड एट द रिफॉर्मिंग द इंडियन सोसाइटी बाय इंट्रोड्यूसिंग द वेस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न आइडिया एंड द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। अगर इसको देखें तो उसकी जड़ें बहुत पीछे 1820 की और जाती हैं जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
इंडियंस को एक तरह से हम कह देते हैं असभ्य मान लिया था और उनको सभ्य बनाने की जिम्मेदारी उठा ली थी किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने कई सारे ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट कर लिए थे जिसमें यूरोपियन सिस्टम थी, यानी यूरोप के तरीके से कपड़े पहनना, यूरोप के तरीके से जो है शिक्षा प्राप्त करना, यूरोप के तरीके की सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, यूरोप के तरीके के विचारधारा का डेवलप होना चाहिए, यूरोप के इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर लगाना है ताकि लोग जो है उस परिपाटी उस रिस्पेक्ट उस सिस्टम को सीख सके। ये इजी था टू गवर्न देम, ये इजी था टू एडमिनिस्ट्रेट इंडियंस, ओके, इसलिए वो ये चीज लेके आ रहे थे। विद द पॉपुलेशन ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी दे सेट अप इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज विच टॉट द वेस्टर्न साइंस एंड द लिबरल आर्ट्स। और इसी कारण से उस जमाने में कॉपरेशन ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को कॉपरेट करना ताकि वो क्या हो आगे बढ़े और ब्रिटिशर्स के जैसे या यूरोपियन लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करे, उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल लगाए गए, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सेटअप की गई। और अगर हम देखें तो उन्हें वेस्टर्न साइंस और लिबरल आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाने लगा। The Britishers established law to abolish the custom like sati, that is in 1829, and permitted the remarriage of Hindu widows. आप सोच सकते हो कि हिंदू धर्म या हिंदू लोगों को ये चीज कैसे पसंद आई होगी कि नहीं। चलिए मानते हैं उनमें पूरी दिया थी ये सारी बातें जो गलत थी, परंतु directly switch को abolish करना या customize करना वाकई में उनके लिए क्या था, सोच रहे मतलब उनके लिए सोचनीय हो गया था और लोग जो थे इन चीजों को देखते हुए उनको लग रहा था कि ये कोई रेक्टिफिकेशन या शुद्धिकरण नहीं है, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि धर्म के अंदर ये क्या कर रहे हैं हस्तक्षेप करने लगे हैं। तो हम यहाँ देखें तो उन्होंने सभी प्रथा खत्म कर दी और विधवा विवाह को जो है विधवा का वापस पुनः विवाह हो सकता है ये लिख गए। इसके बाद जो है हम कर पड़ेंगे, परंतु रूमर प्रोफेसिस में तो आपको तीन पॉइंट मिल रहे, वो तीन पॉइंट आप देखेंगे। लीडर्स कौन कौन से थे और किस किस ने किस तरह से जो उस समय लीड किया, जिसको इस टर्नाउंड में या फिर हम कह सकते इस विरोध में, वो आप जरूर लिखेंगे। ये सारा आज के लिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।